फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12 का जो 7.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 21। तो देखते हैं एक बार जो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा क्या है। इंटीग्रेट करना है हमें किसको, 10² 2x - 3 को। ओके, सिंपली हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2x - 3 उसको हम क्या कर लेंगे, टी पुट। ओके, लेट 2x - 3 इक्वल टू टी हो गया हमारा। अब इसका जो डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट। जब हम 2x का डिफरेंशिएट करेंगे हमारा क्या आएगा, 2 - 3 का करेंगे 0 और t का dt/dx। ओके, अब सिंपली क्या करना है, dx को इस तरफ भेज देंगे और 2 को इस तरफ। ओके, यानी कि dx इक्वल टू 1/2 dt। क्यों भेजा हमने 1/2 को इधर, 2 को सॉरी, क्योंकि हमारा 2 यहाँ पर कहीं पर भी नहीं, क्योंकि हम इसको t पुट कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो सिंपली क्या करना है, 10² ओके, इसको क्या माना था हमने, टी, तो यहाँ टी आ जाएगा और डी एक्स की जगह 1/2 dt। ओके, डी एक्स की जगह क्या लिखूँगा, 1/2 dt, 1/2 कॉन्स्टेंट है मेरा तो वो बाहर आ जाएगा और dt अंदर। ओके, अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ 10² t को इंटीग्रेट करना है किसकी, टी के रिस्पेक्ट में, सही है, तो 1/2 as it is। अब देखो क्या होता है, 10² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है, तो 10² का एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 10² किसके बराबर होता है, हमारे एक sec² x - 1 इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद रखना, ये आगे भी यूज़ होगा, क्योंकि जहाँ हमारा 10² का इंटीग्रेट करना है वहाँ हम ये इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो सिंपली क्या आएगा, तो 10² की जगह हम क्या लिखेंगे, सिंपल sec² x - 1 dx। ओके, सिंपली हमें इंटीग्रेट कर देना है अब। ओके, तो क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 sec² x - 1/2 और 1 का अलग इंटीग्रेशन। ओके, सही ना। अब देखो 1/2 sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। ओके, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में ही मैं बता चुका हूँ। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट जाकर देखें, वहाँ से पता कर लेगा। ओके, -1/2 as it is, 1 का जब हम इंटीग्रेट करते कितना आता है, x, और साथ में सी कॉन्स्टेंट। ओके, अब सॉरी, यहाँ पे हमारा t आएगा, क्योंकि हम 10² है ना, तो यहाँ पे t आ जाएगा, 10² t के फॉर्मूले में लेके चल रहे हैं ना, 10² t, तो यहाँ पर भी t आएगा, यहाँ पर भी t आएगा और यहाँ पर भी t। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, सिंपली t की वैल्यू पुट करनी है। t हमने किसको माना था, 2x - 3 को हमने t पुट करा था। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 1/2 tan 2x - 3 एंड -1/2 x + c, तो ये जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। ओके, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सिंपल था, क्या करना था, बस 10² को चेंज करना था sec² x - 1 में। ओके, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन।